पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद संभल के थाना बिझोई क्षेत्र के गांव औरंगाबाद देवरी निवासी रवि पुत्र कल्याण का जमीनी विवाद वीरपाल पुत्र लाइक सिंह से चल रहा था। जमीनी विवाद के चलते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट के दौरान वीरपाल आदि गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी समय गांव में यह अफवाह फैल गई थी कि वीरपाल पुत्र लाल सिंह की झगड़े में मौत हो गई है। यह सुनकर रवि पुत्र कल्याण ने घबराकर हत्या के मुकदमे से बचने के लिए रवि पुत्र कल्याण ने अपने ससुर भूरा के साथ मिलकर इसी षड्यंत्र को क्रियान्वित करते हुए रवि ने अपने पिता को मारने के उद्देश्य से फायर किया, किंतु गोली कल्याण के पैर में लगी और वे घायल हो गए। खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने बताया कि थाना भिजोई के गांव औरंगाबाद देवरी में जमीनी विवाद के चलते रवि पुत्र कल्याण ने अपने विपक्षी को फंसाने के लिए वीरपाल पुत्र लाइक आदि पर 307 का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसी के चलते विवेचन ने सही विवेचना करते हुए ये खुलासा किया है कि रवि पुत्र कल्याण ने अपने ससुर के साथ मिलकर कल्याण को गोली मारी थी। इसी के चलते अभियुक्तगण रवि तथा बूरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इनको जेल भेजा जा रहा है। अरे वो औरंगाबाद देवरी में एक घटना घटी थी जिसके संबंध में एक मुकदमा 516/18 307 जो पंजीकृत कराया गया था वो रवि पुत्र कल्याण की तरफ से पंजीकृत कराया गया था अपने पिता में। इनके जो विपक्षी थे वीरपाल उनके आदि के विरुद्ध कराया गया था, लेकिन जब सत्य घटना का पुलिस द्वारा जो है उसका पर्दाफाश किया गया तो ये पता चला कि रवि द्वारा ही अपने ससुर के साथ मिलकर अपने पिता को गोली मारी गई है और विपक्षी को झूठा फंसाया गया। पुलिस ने इस घटना का सही पर्दाफाश करते हुए आज रवि पुत्र कल्याण और उसके ससुर भूरा पुत्र अप्पू यादव जो कि दोनों घटना में शामिल है उनको गिरफ्तार किया है। इनको अंतर्गत धारा 307 IPC और 120 भी जेल भेजा जा रहा है।